नमस्कार दोस्तों, रामान एस्ट्रोलॉजर जैसे कि हमारे एपिसोड चल रहे हैं तो आज हम बात करेंगे डायरेक्शन की, जिसे हिंदी में दिशा बोलते हैं। डायरेक्शंस इज रिलेटेड टू मकान, घर, ऑफिस और दुकान। क्या डायरेक्शंस इतना इफेक्ट करती हैं हमारे ऊपर? क्या वो हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे या फिर हमारे ग्राफ को नीचे गिरा देंगे? ऐसा संभव है? तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, वास्तु जो है ये अपने आप में एक हमारी कुंडली है। जैसे कि 1/1/1980 को 1:15 पे दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, अब आप समझिएगा इसका ये कुंडली बनेगा। इसके अंदर क्या पता लगेगा, किसका लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, इसकी आयु कैसी रहेगी, तरक्की करेगा नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। तो इसी तरह एक जो हमारा मकान है, घर, ऑफिस और दुकान, इसकी भी एक कुंडली होती है। जो वो जो एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है उस जगह का, ये अपने आप में एक कुंडली है। इसकी डायरेक्शंस हैं, इसके अंदर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, पॉजिटिव है। आपने देखा होगा कई दुकानों के बाहर आप देखें बहुत बड़े बड़े नाले हैं, क्योंकि ये जो मेट्रो सिटीज है वहां पे तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। बात हो रही है जो छोटी सिटीज है, स्मॉल है, उसके अंदर आप जाके देखिएगा कि दुकानों के बाहर नाले हैं। वो दुकानें आज से 20 साल पहले भी वहीं पे थी, ना उसमें कोई बदलाव आया, आज से 20 साल बाद भी वो वहीं पे हैं। अब मैं आपको ये चीज बता देना चाह रहा हूं कि अगर दुकान घर के बाहर बिल्कुल बहुत बड़ा नाला है, खुला है या ढका हुआ है, तो उसका प्रभाव आएगा। इसी तरह वास्तु के अंदर इस डायरेक्शंस का प्रभाव आएगा, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत एक अलग उसके प्रभाव है, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में तो सारी चीजें अलग अलग हैं। तो दोस्तों ऐसी ढेरों चीजें, ऐसी ढेरों जानकारियां अगर आप हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर आप पर्सनली मेरे से मिलना चाहते हैं, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर हमारे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप फोन उठाएं, कॉल करें। और दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।